इसी गृहस्थी में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे अश्विन मास के कृष्ण पक्ष एकादशी यानी कि इंद्रा एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, राजा इंद्रसेन महिष्मति नगरी में राज करते थे। उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। अचानक से एक रात उन्हें स्वप्न आया कि उनके माता पिता यमलोक में कष्ट भोग रहे हैं। नींद टूट जाने पर वे चिंतित हो गए कि किस प्रकार से अपने पितरों को इस यातना से मुक्त किया जाए। इस विषय पर उन्होंने मंत्री से परामर्श किया। मंत्री ने विद्वानों को बुलाकर पूछने की अनुमति मांगी। राजा ने अनुमति दे दी। सभी ब्राह्मण उपस्थित हुए। राजा ने ब्राह्मणों को अपने सपने की बात बताई। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यदि आप परिवार सहित इंद्रा एकादशी का व्रत करेंगे तो आपके पितरों की मुक्ति हो जाएगी। उस दिन से अगर आप शालिग्राम की पूजा करेंगे, उन्हें तुलसी चढ़ाकर 11 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, दक्षिणा देंगे और आशीर्वाद लेंगे तो इससे आपके माता पिता को स्वर्ग मिलेगा। आप रात्रि के समय भगवान विष्णु की मूर्ति के पास ही सोना। राजा ने ऐसा ही किया। जब वे मंदिर में सो रहे थे तभी भगवान के उन्हें दर्शन हुए और भगवान ने उनसे कहा कि हे राजा, व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पितर स्वर्ग को पहुंच गए हैं। राजा इंद्रसेन भी इस व्रत के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गए। जय हो विष्णु भगवान की। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करना और शेयर करना। इस तरह की व्रत कथाओं और सूचनाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।